यदि किसी भी प्रायोजन को हम अपने जीवन में जब लक्ष्य के रूप में चुनते हैं तो उसके प्रयासों में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वाली परीक्षाओं में आपने जब परीक्षा दी उसके बाद आपको पछताना पड़ा, यार हम सही समय पर तैयारी शुरू कर देते तो आज ये स्थिति ना होती, या परीक्षा के पास हमें पछताना पड़ता है कि अगर आप सही समय पर तैयारी शुरू कर दिए होते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। तो पहले तो ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि जो गलतियां आपने इससे पहले की परीक्षाओं में की है उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। अभी देरी नहीं हुई है, ये शुरुआत है, और शुरुआत है सही समय है शुरुआत करने का। तो आइए प्रारंभ से ही प्रारंभ करते हैं। जिद, किसी चीज को पाने की जिद, इच्छा शक्ति, जिद ही हमारी सोच को एक मजबूत पहाड़ बनाती है, जिद ही हमें खुददार बनाती है। तो आइए जिद करते हैं कि इस बार चयन लेना है। किसी भी परीक्षा में चयन लेने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी यह होती है कि आपने उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज किया है, और उस परीक्षा के बारे में जो आपका आत्मविश्वास है, उस लक्ष्य को पाने की जो इच्छा शक्ति है वो आपके अंदर कितनी प्रबल है। क्योंकि हम सोचते रहेंगे कि कल से करेंगे परसों से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर करना है तो अपने मन में एक जिद पालिए, और अगर जिद पालेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैंने आपके पाठ्यक्रम के एक एक विषय को खोल दिया है और मैंने ये तय किया है कि पहले आपको ये बताओ कि कहां से आपको क्या पढ़ना है, जो टॉपिक्स आपसे लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी तैयारी आपको घर से ही प्रारंभ कर देनी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पाठ्यक्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देते। यदि पाठ्यक्रम को आपने अच्छे से समझा है कि एक एक पाठ्यक्रम का टॉपिक क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप अपनी आधी से ज्यादा तैयारी वहीं पूरी कर लेते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया था लेखपाल परीक्षा पर, मैंने आपको बताया था कि आपका जो पाठ्यक्रम है चार भागों में विभाजित है, है ना। तो उन चार भागों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी मैंने स्वयं आपको ली है, मैं आपको बताऊंगा कि इस भाग में आपको कैसे चीजों को पढ़ना है, उसका प्रारंभ मैं इसी वीडियो से आपको करने चल रहा हूं। पहला भाग जो आपका 25 प्रश्नों को लिए हुए है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ग्रामीण प्रवेश सामाजिक ग्रामीण विकास, इस पर देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्राम सभा। तो देखिए ग्राम सभा का संगठन क्या होता है, ग्राम सभा की इकाइयां क्या होती हैं, ग्राम सभा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, इसका गठन कैसे होता है, इसकी निर्वाचन प्रणाली क्या है, और कौन कौन सी समितियां इसके अंतर्गत कार्य करती है। लगभग लगभग अगर हम एक पेज की समरी करें तो एक पेज में यहां से बनने वाले प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले टॉपिक को आप पेन और कॉपी लेके अच्छे से पेन डाउन करते चलिए। दूसरा आपका टॉपिक है जनपदीय संगठन, है ना। जनपदीय संगठन का मतलब है ग्राम, तालुका, तहसील, ब्लॉक और जनपद, इनके अधिकारी, इनके कार्य करने के ढंग क्या होते हैं, और जनपद और एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का जो पारस्परिक संबंध होता है वो किस प्रकार कार्यात्मक रूप से कार्य करता है, यहां पर आपको इसकी जानकारी चाहिए। तीसरा है आपका क्षेत्रीय विकास, है ना। क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चीजें जो क्षेत्रीय विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। चौथा राजस्व परिषद, चूंकि आपकी परीक्षा पहले राजस्व परिषद ही कराती थी तो, और राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ आपका पद है, तो इसके संगठन के बारे में पूरी जानकारी लेनी आपको आवश्यक है। जब से इसका विकास हुआ तब से अभी तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या इसका कार्यात्मक ढांचा है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको यहां पर लेनी है। फिर आपका पंचायती राज, सबसे बड़ा टॉपिक आपका इसमें पंचायती राज है और सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से आते हैं। समाज कल्याण, पशुपालन, पशुपालन देखिए कृषि के साथ पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिले से लेकर राज्य के लिए पशुओं के लिए क्या कार्यक्रम चलते हैं, कितने भागों में हम पशुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं, जितनी भी पंचवर्षीय योजना अभी तक हुई है, किस पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस चीज से जुड़ी रही है, और किस पंचवर्षीय योजना में किस भाग का प्रभाव रहा है, ये आपको यहां पर पढ़ना है। कृषि, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, कृषि क्या है, कृषि से संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक अवधारणा है वो सब आपको यहां पर क्लियर करनी है। खरीफ की फसलें, उनके लिए अनुकूल तापमान, रवि की फसलें, उनके लिए अनुकूल तापमान, कौन सी फसलें किस भाग में आती हैं, ये सभी जानकारियां आपको यहां पर लेनी है। साधन एवं संसाधन,
जो उपलब्ध साधन एवं संसाधन है उनके बारे में, जैसे आपकी नहरें हो गई, आपके तालाब हो गए, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, सिंचाई का जो है पानी हो गया, उसके साधन हो गए, आपके फर्टिलाइजर हो गए, खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, प्राकृतिक खाद हो गए, बीज हो गए, इन सब के बारे में एक एक से डेढ़ पेज की जो समरी है उसको आपको यहां पर क्लियर करना है। नहरें, नहरों के प्रकार, सिंचाई के संपूर्ण साधन, मिट्टी एवं अपरदन, कितने प्रकार की मिट्टी है, कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अनुकूल है, यहां पर पूरी जानकारी आपको लेनी है। प्रमुख फसलें एवं उपज, कौन सी फसल किस भाग में ज्यादा होती है, उपज के मापदंड क्या है, मानदंड क्या है, सारी चीज आपको यहां पर क्लियर करनी है। और इसके बाद फिर आपका ग्रामीण विकास एवं संरचना, ग्रामीण विकास से संबंधित जो टॉपिक है, ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चल रहे हैं सामुदायिक विकास के लिए, वो सारे आपको क्लियर करने हैं। इसका इतिहास भी आपको क्लियर करना है, 1955 से लेके जहां से सामुदायिक विकास के कार्यक्रम शुरू हुए थे, जो समितियां आपकी वहां थी, बलवंत राय मेहता समिति और जितनी भी समिति उसके बाद बनी है, उन पर सबको आपको क्लियर करना है। ग्रामीण विकास में डिजिटल समन्वय, आप जान रहे हैं कि इस समय पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, तो ग्रामीण विकास के लिए भी बहुत सारे डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐप और पोर्टल चलाए जा रहे हैं, सामाजिक जीवन में व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े चीजों को पारदर्शी बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए और उन्हें सरकार द्वारा सीधे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडी योजना, ऐप और पोर्टल चलाए जा रहे हैं। इन सबके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अगर मैं एक बात में कहूं तो समावेशी विकास के जितने भी उद्देश्य हैं, जितना भी समावेशन चल रहा है, चाहे वो कृषि समावेशन हो, चाहे वो शिक्षा समावेशन हो, चाहे वो आर्थिक समावेशन हो, सभी के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी लेनी है। प्रधानमंत्री जनधन खाता जो आपका है, उस जनधन खाते से लेके उज्ज्वला योजना से लेके जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, है ना। ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम, जितने भी आपको आपके बजट में जो भी योजना ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रमों के लिए आई है, कौशल विकास के लिए आई है, गांव में कितने तरह के ऐसे कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं और प्राचीन काल से लेकर अभी तक इन इकाइयों का इतिहास क्या है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी करनी है। तो लगभग 18 टॉपिक, ये आपका जो पाठ्यक्रम है विस्तृत रूप से कहीं नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। तो पहले तो आप उसको पेन कॉपी लेके आप पेन डाउन करें अच्छे से कि इन 18 टॉपिक्स को आपको तैयार करना है और एक एक टॉपिक आप मेरे साथ कल परसों से तैयार करते चलेंगे और उसको सर्कल करते चलेंगे। मैं आपको टॉपिक भी तैयार कराऊंगा और टॉपिक तैयार कराने के साथ साथ मैं उसके प्रश्नों उत्तर भी उसी टॉपिक से जो बनने वाले हैं तुरंत आपको हल करा दिया करूंगा, ताकि ये जो 22 प्रश्न यहां से आपके बनते हैं, इन 22 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, पहले इस सिलेबस को अच्छे से आप पेन डाउन करिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सिलेबस आपका विविध का होता है जो इससे जुड़ता है। कैसे विविध में क्या क्या है, पौधों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग है और उनके कारण क्या है। देखिए सामान्य ज्ञान यहां पे जो 25 नंबर का लिखा है उस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझिए, उन 25 नंबर में से 5 नंबर आपके विविध में इनसे आते हैं। पौधों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग एक पन्ने की लिस्ट है और उनके कारण यहां पर ये क्लियर है। दूसरा सिंचाई एवं बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना है, जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कार्य कर रही है सिंचाई, यहां से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस भाग को आपको विविध में तैयार करना है। वनों की स्थिति, आप जानते हैं 16वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है, 16वीं वन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों की स्थिति क्या है और वनों से संबंधित जो भी पुरस्कार आपके प्रदेश पर दिए जाते हैं उन पुरस्कारों को जो है आपको यहां पर पढ़ना है। 16वीं वन रिपोर्ट को आपको उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में एक बार पढ़ना है, मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान कहां कहां अवस्थित है और किस क्षेत्र से कौन सी फसल या फल या उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये यहां पर आपको क्लियर करना है। और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सभी जो क्रांति रंग से जो पहचानी जाती है, श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है, उसको आपको यहां पे क्लियर करना है। और नीति आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कृषि के लिए क्या कार्य किए गए हैं या क्या जो है संरचनाएं बनाई गई है, इनको आपको क्लियर करना है। तो 5 नंबर का जो आपका वो है वो विविध यहां से क्लियर होता है। इसी में एक टॉपिक और हम लोग जोड़ लेंगे, बिल्कुल सटीक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एवं बाघ आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये मैंने विविध के वो टॉपिक निकाले हैं
जहां से एक प्रश्न आपको निश्चित मिलना है। ऐसे जब हम किसी किताब में विभेद देखते हैं, जो एक छोटी छोटी किताबें आती है, तो करीब उसमें 40 से 42 टॉपिक आपके लिखे रहते हैं। सब कुछ आपसे विविध में नहीं पूछा जाता। जीके जीएस आपको पढ़ना है वो एक अलग बात है, लेकिन जितना मैंने ये अलग करके आपको दिया, इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष और करंट अफेयर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका कैसा है कि 25 नंबर का तो सेगमेंट आपका सीधे सीधे ए है, जिस पर मैंने आपसे बात की है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो 22 प्रश्न तो आप यहां से ले लीजिए, जो आपको मैंने ये लिस्ट बना के दी है यहां से आपको मिलते हैं, है ना। इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश विशेष से 7 प्रश्न हमें लगभग यहां से मिलते हैं, क्लियर। करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न हमारे मिलने तय है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि जो 25 प्रश्न आपके जीके में होते हैं, उन जीके के 25 प्रश्नों में 15 प्रश्न तो आपके जीके से जुड़ते हैं और 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से जुड़ते हैं, क्लियर। तो वहां पर जब हमने 22 का टोटल बनाया था और 22 में अगर हम इन 7 को समाहित कर ले तो 29 प्रश्न आपके जो सामाजिक विकास का आपका जो भाग है उससे और उत्तर प्रदेश विशेष से ही आपको मिलेंगे, और लगभग 10 प्रश्न आपको यहां पर करंट अफेयर्स से मिलेंगे। तो 29 और 10 कितने हो गए 39, और 39 के बाद 5 प्रश्न आपको यहां से विविध से मिलते हैं। तो जो सामान्य अध्ययन आपका होता है यहां पर, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, जो आपका संविधान है और अर्थव्यवस्था है, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन आपके बजट से होते हैं या कल्याणकारी योजनाओं से होते हैं वो क्वेश्चन आपके करंट में कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर 10 क्वेश्चन लिखा है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर हम ले लें कि विविध के 5 प्रश्न अगर हम लोग यहां से ले लें, 10 और 5 कितना हो गया 15, और 7 प्रश्न अगर हम यहां से ले लें तो 15 और 7 22, और लगभग 22 प्रश्न अगर हम यहां से ले लें तो 44 प्रश्न की जिम्मेदारी मैं आपकी लेता हूं। ये 44 प्रश्न में आपको बहुत आसानी से प्रश्न हल कराते कराते हल करा दूंगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। बस मेरे साथ कोशिश करिए सही दिशा में आगे बढ़ने की। यदि हम बाकी सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को देखना चाहें, एक मिनट, तो जैसे सामान्य हिंदी में अगर आप घर पर हैं तो देखिए आप नोट करिएगा कि आपको यहां पर सामान्य हिंदी में पढ़ना क्या क्या है। सामान्य हिंदी में देखिए वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, विलोम शब्द। अब यहां पे जैसे देखते हैं, यहां से तो देखिए आपको प्रश्न पढ़ने हैं, ये प्रश्न तो आपके आते हैं, लेकिन ये पढ़ने वाले विषय नहीं है, ये दोहराने वाले विषय हैं। जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ये 6 टॉपिक आप आज से ही दोहराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं है। जबकि पढ़ने वाले जो टॉपिक है वो तो आपको पढ़ने ही है, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया, विशेषण, लिंग, लेकिन ये जो है तैयारी आपकी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, इसके लिए आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, है ना। बाकी जब बैच आएगा तो उस बैच में ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, जहां से प्रश्न आते हैं आपके, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्तनी विचार, शब्द प्रयोग, बेमेल शब्द का चयन, उपसर्ग और प्रत्यय, तत्सम, तद्भव एवं संधि। ये आपका जो पाठ्यक्रम है इसको आप एक बार नोट करिएगा, इतना आपको हिंदी में निश्चित रूप से तैयार करना है, है ना। समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार और वाक्यों की क्रमबद्धता, ये आपके अगर हम लोग देखें तो लगभग 23 से 24 टॉपिक आपके ऐसे हो रहे हैं जो हिंदी में है, और प्रत्येक टॉपिक से अगर हम लोग एक प्रश्न देख लें तो लगभग 25 मार्क्स का 25 नंबर का सेगमेंट आपका ये है, 25 प्रश्न आपके यहां से आने की पूरी संभावना है, क्लियर। आगे हम बढ़े, अगला देखिए गणित। गणित में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखिए संख्या पद्धति, वर्गमूल एवं घनमूल, प्रतिशतता, साधारण एवं दशमलव भिन्न, लाभ हानि, सरलीकरण, मतलब अंक गणित का जो पूरा पोर्शन है, एलसीएम, एससीएफ, अनुपात, रेशियो, घातांक, करणी, औसत, चाल एवं समय। इसके अलावा काम समय, आयु संबंधी प्रश्न। अब जैसे देखिए आयु संबंधी प्रश्न आपका रीजनिंग से जुड़ जाता है ना, पाइप एवं टंकी पर आधारित प्रश्न, नाव, नदी एवं धारा पर आधारित प्रश्न, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज,
क्षेत्रफल आयतन बीच गलत। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो आपका ये होता है, भूमि की पैमाइश की जो इकाइयां हैं, जो ग्रामीण इकाइयां हैं आपकी भूमि की पैमाइश की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको आपको यहां पे तैयार करना है। तो निश्चित रूप से संस्थान की तरफ से ये तैयार आपको कराया जाएगा उचित समय आने पर। मैं तो अपनी कक्षाएं कल परसों से ही प्रारंभ करने चल रहा हूं, जल्द से जो मैंने अपना भाग बताया है वो मैं अपना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा जब आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो जैसे कि मैंने सामान्य ज्ञान में आपको बताया कि भारत का इतिहास, अब यहां पर आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके में जीएस नहीं है, ये जीके है, है ना। और जीके में जितना इतिहास आता है वो 12 से 15 कक्षाओं में आप आराम से पूरा कर सकते हैं, है ना। भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, भारतीय संस्कृति एवं कला है। अब देखिए ये भारतीय संस्कृति कला पुरस्कार सम्मान खेलकूल और विविध, इसकी जानकारी जैसे मैंने कहा था ना कि सामान्य ज्ञान का जो 25 नंबर का पोर्शन है वहां से लगभग 10 नंबर ये मेरे साथ आपके कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुरस्कार सम्मान खेलकूद भारतीय संस्कृति कला एवं विविध ये आप मेरे साथ वहां पर पढ़ेंगे तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आप मेरे साथ वहां पर तैयार कर लेंगे जो आपके इस पाठ्यक्रम में दिए गए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की विषय वस्तु है। उत्तर प्रदेश विशेष हो गया, खेलकूद हो गया, पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया और विविध हो गया, तो मैंने आपको वहां पे स्पष्ट किया है कि इनमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ग्रामीण परिवेश एवं समाज। देखिए दो तीन सावधानियां बरतनी है। पहली सावधानी के एक मिनट भी अपना खराब ना करते हुए आज ही पाठ्यक्रम को पेन कॉपी पर लिखकर और श्री गणेश कर दीजिए। इसका मतलब आज से आपकी तैयारी की शुरुआत है। जैसे मैंने कहा कल से कक्षाएं परसों से मेरी मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, जो मैंने आपको 42-44 नंबर के पोर्शन की गारंटी ली है, परसों नरसों से मैं उसकी कक्षाएं अच्छे से प्रारंभ कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, जब तक मैंने जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे आप घर में पढ़ना प्रारंभ कर दें। तीसरी बात, बैच की सूचना के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बैच जल्दी ही हम 2-3 दिन में बैच की सूचना आपको दे देंगे कि कैसे बैच चलेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, 1 या 2 तारीख के आसपास हमें सारी सूचना आपको प्रदान कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक सावधानी आपको बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बरतने की जरूरत है, चूंकि सबको मालूम है कि अगले 2-4 महीने अब ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन के चलने की स्थिति परिस्थिति नहीं है, तो जितने भी संस्थान है वो अपने नए नए साधन और संसाधन जुटाने के प्रयास में ऑनलाइन लंगर डाले हुए हैं, कहीं 399 में, कहीं 299 में, और अलग अलग तरीके से, और वो आप पे ही ये ऑपरेशन करके पहली बार अपने साधन और संसाधन को जुटाना चाहते हैं। तो आप स्वयं को इस ऑपरेशन से बचाइए, क्योंकि आप किसी के लिए प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि जो वो अनुभवी संस्थान जो बरसों से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ जाइएगा, उनके साथ जाने में आपका लाभ होगा और आप साधन और संसाधन जुटाने के साधन के रूप में उपयोग में नहीं आएंगे, इसका मतलब आपका नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी भ्रम की स्थिति से बचना है, बहुत परेशान नहीं होना है और आराम से, जैसे मैंने आज पाठ्यक्रम का वीडियो दिया, कल परसों से मैं आपके और वीडियोस देना प्रारंभ करूंगा और जल्द ही आप लोगों को बैच की भी सूचना देगा, तो परेशान यहां पर होने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मुझसे कई बार पूछा था कि सर ट्रिपल सी होगा कि नहीं होगा, इससे पहले जब लेखपाल का फॉर्म आया था तो उसमें ट्रिपल सी नहीं था, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ट्रिपल सी नहीं होगा, लेकिन मेरा आप सभी लोगों को सुझाव है जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है आप ट्रिपल सी में अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लीजिएगा, इस परीक्षा के लिए नहीं, लेकिन अधीनस्थ की जितनी भी परीक्षाएं आगे आने वाली है उस परीक्षा में ट्रिपल सी आपको चाहिए होगा। ट्रिपल सी अब आपकी अनिवार्यता बनता जा रहा है, इसलिए आप इंतजार मत करिए इस चीज का भी, और ट्रिपल सी एक आसान प्रक्रिया, आप उसमें अपना आराम से क्या करिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि भविष्य में फिर आपको यह ना सोचना पड़े। पूरी उम्मीद है कि इस परीक्षा में आपका ट्रिपल सी नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिद करिए, अगर जिद है तो हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। आप युवा हैं, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप घर में दृढ़ संकल्पित हो जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो ये आपके दृढ़ संकल्प का समय है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, बस आपके अंदर वो जज्बा दिखना चाहिए कि हां आप तैयारी करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं 44 नंबर का पोर्शन आपको दूंगा, पूरा करंट अफेयर्स दूंगा, और प्रॉमिस करता हूं कि 44 में से 1 प्रश्न भी आपको गलत नहीं होने दूंगा। बस नीचे ये लिखने की जरूरत है कमेंट बॉक्स में कि जिद है, अगर आप ये लिख रहे हैं कि जिद है
तो लिखिए सर जिद है, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ चलेंगे और इस बार लेखपाल में एक सीट पक्की करेंगे। जिन जिन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आया होगा, एक मोटिवेशन आया होगा, वो निश्चित इस वीडियो के नीचे लिखेंगे कि जिद है। और अगर आपने लिखा जिद है और एक समूह में आप लोगों ने लिख दिया सर सिलेक्शन की जिद है आपके साथ, तो वादा करता हूं कि सिलेक्शन को आपसे कोई रोक नहीं सकता, मेरी ये बात खाली नहीं जाएगी। तो आइए साथ दीजिए और लिखिए कि जिद है सर, आपके साथ सिलेक्शन लेना है। और बस आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना से तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि जिद है कोरोना को हराने की। कहीं से आया हो, किसी देश से आया हो, कहीं हारा हो ना हारा हो, हमारे यहां जरूर हारेगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग से उसको हराएंगे, हम लॉकडाउन से उसको हराएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक जिद और लेनी है। ये जो समय है, ये समय आपका व्यर्थ ना हो, तो जिद लीजिए आज से अपने चयन की मेरे साथ। आइए चयनित होते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ समय है ऑनलाइन में अंदर बैठ के पढ़ने का। तो जिद लीजिए, एक सीट अपनी पक्की करिए, बिल्कुल भी इस समय को जाने नहीं देंगे। आने वाला समय बहुत कठिन है, अगर जो भी वैकेंसी आई है उस पर पूरी जिद से टूट पड़िए। अब नहीं तो कभी नहीं, इस समय को जाने नहीं देंगे। आप सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर।